What? Are he should sit there. He is playing an agency. Why should he interfere? What is the relevance? What is your And they cannot digest the truth. That's why they are talking like that. Sir. आज हालात सर सर हालात आज ये हो गया कि न्यू दिल्ली नाउ इज रिजेंबलिंग ए प्रोविंशियल कैपिटल टुडे. डोंट टेक मी रॉन्ग. हमारा स्टैचर अभी गिर गए हैं सर. ये बीजेपी का मकसद क्या है सर? ये बोलते हैं कि हम न्यू इंडिया बनाएंगे. ये न्यू इंडिया की मतलब क्या होते हैं? क्या न्यू इंडिया बनाया आपने? हम जो न्यू इंडिया देखते हैं उसमें आप शुरू में कोशिश करते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान के जो नेता है, जो हिंदुस्तान की जो ड्रीमर है, उनको शामिल किया जाए, जिसको हम कहते हैं कि कोऑप्शन. यू आर प्रैक्टिसिंग कोऑप्शनल पॉलिटिक्स. आपने क्या किया? आपने नेहरू जी को लाया, महात्मा जी को लाया और बहुत सारे हमारे आप गणमान्य महापुरुष को नाम आपने उठाया है. पटेल जी को लाया, बहुत अच्छा लगा. लेकिन ये आपका मजबूरी है. इन द पैंथियन ऑफ ड्रीमर्स यू हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड द नेम ऑफ अदर ड्रीमर्स ऑफ अवर कंट्री, इंक्लूडिंग स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव गांधी. ठीक कर लिया, राजीव गांधी ठीक कर लिया. ये इसमें कोई गलती नहीं है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है इसमें कोई गलती नहीं हो सकता है, इसमें हो सकता है. इंदिरा जी, राजीव जी बोल दिया ना, हो गया. आपने नहीं ना, नहीं उसके साथ भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने नहीं लिया. ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हिंदुस्तान की आज रूरल डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट भूमिका निभाई थी, उनको भी रहना चाहिए. वो भी एक ड्रीमर था. आपने दिखाता है कि हमारा सिर्फ एक ही ड्रीमर है. एक ड्रीमर नहीं, हिंदुस्तान बहुत सारे ड्रीमर है. आपका न्यू इंडिया में क्या हो रहा है? आपका न्यू इंडिया में आज पोलराइजेशन हो रहा है. आपका न्यू इंडिया में दलित के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं. आपका न्यू इंडिया में गरीबी बढ़ रहे हैं. आपका न्यू इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है. आपका न्यू इंडिया में रिलीजियस जिंगोइज्म हो रहे हैं. ये आपका न्यू इंडिया में मॉब लिंचिंग होता है. ये आपका न्यू इंडिया, इसमें मॉब लिंचिंग होता है, दलित रिप्रेशन होते हैं और रिलीजियस जिंगोइज्म होता है. ये आपका न्यू इंडिया. सदस्य कंक्लूड करें. हाँ सर, तो ये सर हो गया सर. ये जो सरकार है ये सिर्फ चेस्ट थंपिंग गवर्नमेंट है. ये ब्रागारी और भेनग्लोरी जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है. हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर. सर मैंने और एक मुद्दा, छोटा सा मुद्दा उठाना चाहते हैं कि चाइना के साथ हमारा इतना दुश्मनी रहते हुए भी आप चाइना को 5G कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं? जहां अमेरिका ना कर दिया, यूरोप ना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ना कर दिया, कनाडा ना कर दिया, आप 5G को उसका क्यों सुविधा दे रहे हैं? ये हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है. इसमें खरीदा इसमें अगले दिन इस तरीके की 5G अगर चाइना को मिल जाए तो हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा. इसमें भी आप सोच समझ के कदम उठाएगा सर. ये सर मैं सर दो बात कहना चाहते हैं कि एक सर ये सरकार की जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे सर, उनका काफी नजदीक एक एडवाइजर थे, उनका नाम सर कुलकर्णी जी. सर कुलकर्णी जी एक बात कही सर, सुधेंद्र कुलकर्णी को मैं कोट करना चाहते हैं सर. सुधेंद्र कुलकर्णी ने एक बात किया कि व्हाट डज दिस संघ परिवार वांट? संघ परिवार वांट सेकेंड रिपब्लिक, क्योंकि पहला रिपब्लिक में उनका कोई योगदान नहीं था. पहला आजादी में कोई योगदान नहीं था. ब्रिटिश लोगों को दलाली किया था, ब्रिटिश लोगों को लिए आपने युवाओं को रिक्रूट करने के लिए कहा था, तो उसमें कोई योगदान नहीं था. इसलिए वो सेकेंड रिपब्लिक चाहते हैं. तो कोर्ट से निकाल देना. ये सेकेंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सर?
सर सेकंड रिपब्लिक का मतलब ये होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए सर, डी नेशनलाइजिंग ए कम्युनिटी और एटलीस्ट डिमिनिशिंग इट्स प्लेस इन द नेशन इज ए हिडन एजेंडा ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो क्या चाहते हैं, दे फोरटेल ए प्लान बाय द संघ परिवार द आइडियोलॉजिकल फैमिली टू व्हिच द रूलिंग पार्टी बिलोंग्स टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन स्टेट इनटू ए हिंदू स्टेट इंडियन सोसाइटी फ्रॉम ए हिंदू मेजोरिटी सोसाइटी इनटू ए हिंदू मेजोरिटेरियन सोसाइटी एंड फाइनली द इंडियन नेशन इटसेल्फ इनटू ए हिंदू नेशन। मैं नहीं सर, हो गया, सुधेंदु कुलकर्णी की एडवाइजर की ये बयान है, ये मेरा नहीं सर। सर और एक बात कहना चाहता हूँ, एक एफएस आयजुद्दीन बोल के एमिनेंट पाकिस्तानी स्कॉलर है सर, उन्होंने कहा कि वी पाकिस्तानी हैव पेड ए ह्यूज प्राइस वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट सेक्टरियनिज्म एक्सट्रीमिज्म इंटॉलरेंस एंड लॉस ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स बिकॉज वी अलाउड इस्लामाइजेशन ऑफ अवर स्टेट एंड सोसाइटी। इफ इंडिया वॉन्ट्स टू कमिट द सेम मिस्टेक बाय अलाउिंग इट्स हिंदुआइजेशन यू आर ऑलमोस्ट वेलकम बट रिमेंबर दैट द प्राइस यू विल पे विल बी फार फार हायर। सर 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 इसलिए आज हिंदुस्तान में संविधान को रक्षा करने के लिए जो संग्राम हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उसको हम सबको उसको मदद करना चाहिए क्योंकि वो संविधान को बचाना चाहते हैं। हाँ, मदद करना चाहते हैं हम लोग, संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान की बचाने की लड़ाई है और उससे डर के मारे आप लड़खड़ाते हुए पीछे हट रहे हैं। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर द कोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन। सर जानते हैं 1939 में जब यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गए थे तब हमारा रविंद्रनाथ ठाकुर गया था यूरोप में, यूरोप में जाके देखा कि आइंस्टाइन को भगाया जा रहे हैं, आइंस्टाइन को जर्मन से भगाया जा रहे हैं। उसने ये देखा कि वहां के अच्छे अच्छे सारे लोगों को ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो कवि का मन बड़ा दुखी हुआ था। उन्होंने अपने दोस्तों को पत्र लिखकर कहा था कि मैं यूरोप के देखा कि इस तरीके की फैसिज्म चल रहा है, इसको निपटने का क्या रास्ता है। तो उनको बहुत दोस्त ने उनको रिप्लाई दिया, तो एक रिप्लाई ऐसा था, द कोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन हैव नेवर बीन डिटरमाइंड बाय द ब्रूटल फोर्सेस, द कोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन नेवर बीन डिटरमाइंड बाय द ब्रूटल फोर्सेस ऑफ द कोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन have determined by the forces of humanity. Therefore, neither the brown shirt of Hitler nor the black shirt of Mussolini are going to determine the course of civilization in the contemporary period. The course of civilization is going to be determined by a person who has no shirt. He is Mahatma Gandhi. He still lives in our soul. So, हम लड़ते रहेंगे आपके खिलाफ, जितना शंका हो जाए हम लड़ते रहेंगे आपके खिलाफ, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं, देश को विभाजन कर रहे हैं, देश को टुकड़ा करने चाहते हैं, इसके लिए आपके खिलाफ लड़ना वाजिब है। ना संघर्ष ना तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। हमारा सीने में आग लगी है हिंदुस्तान की लोकतंत्र की बचाने का और संविधान खत्म करने की जो साजिश, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा सीने में आग लगी है, हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद।